अमरावती जिल्ह्याच्या अचलपूर परतवाडा शहरात दिवसेंदिवस अनेक घटना घडत आहे. या शहरात दिवसा ढवळ्या वेळ काढली जाते तर रात्री घरफोडीच्या घटना घडत आहे. शहरातील नगरसेविका किरण श्याम मालू यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र एसटी डेपोजवळ भर दुपारी हिसकावले जात आहे. तर काही दिवसापूर्वी याच परिसरात एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा खून सुद्धा करण्यात आला होता. दोन दिवसापूर्वी झालेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात अनेकांचे खिसे कापले गेले. यावर पोलिसांचा अंकुश राहिलेला नाही. त्याविरोधात हजारो महिला संघटनांनी शहरातून मोर्चा काढला. महिलांनी उपविभागीय अधिकारी पोपटराव अब्दागी यांना निवेदन दिले. शहरात घडलेल्या चोऱ्या छेडछाड यावर अंकुश लावण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या मोर्चामध्ये जिजाऊ महिला ब्रिगेड, अग्रवाल महिला संघटन IMA संघटना, तेजस्वी महिला मंडळ, मारवाडी महिला संघटन, प्रहार महिला संघटन आदींनी सहभाग घेतला. महिला निवेदन देने जारी है SDO को, क्या उसका विशेष विषय है और किन मांगों को लेकर ये निवेदन दिया जा रहा है? महिला सुरक्षा के हिसाब से और शहर में बहुत ऑटो ज्यादा भर भर के लेके जा रहे हैं, टेबल सीट बच्चे जा रहे हैं, मुंह को स्कार्फ बांध के जा रहे हैं और मतलब लेडीज कहीं अकेली निकल नहीं सकती. लेडीज को सुरक्षा के हिसाब से हम निवेदन देने जा रहे हैं. अमरावती जिले की अवर्ग अचलपुर नगर पालिका, अचलपुर में पुलिस प्रशासन के प्रति महिलाओं का जबरदस्त रोष देखा जा रहा है. आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से शहर के अंदर चोरियों की घटनाएं बढ़ चुकी है, घरफोड़ी की घटनाएं बढ़ चुकी है और यही नहीं तो अब इन चोरों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि दिन दहाड़े जो महिलाएं रास्ते से गुजर रही है वे उनके गहने छीनने के लिए भी नहीं डर रहे हैं. चैन स्निचिंग शहर के अंदर आम बात हो गई है. हाल ही में नगर सेविका सौ किरण श्याम मालू, इनका 3.5 तोले का मंगलसूत्र चोरी होने की घटना हुई है. यही नहीं तो शहर के नगर अभियंता रमेश ताइडे के निवास पर चोरी हुई है, कांडली के तलाटी के निवास पर चोरी हो रही है. इस प्रकार की घटनाएं यह शहर के लिए एक पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है. शहर में इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ पहली बार शहर की सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर यह मोर्चा SDO कचेरी पर निकाला है और SDO कार्यालय पर यहाँ पर SDO को निवेदन सौंपकर शहर की अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है. आपको बता दें कि महिलाओं ने यह भी मांग की है कि शहर में जिस प्रकार ऑटो वाले, ट्रैफिक जो अवैध वाहन, इनकी जिस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ गई है वे भी रोकी जाए, शहर के अंदर यातायात भी सुचारू किए जाए. पुलिस प्रशासन अगर इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देगा तो यह महिलाएं रस्ते पर उतर के आंदोलन करने की चेतावनी आती है.